ये जो भीड़ और आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये कोई 100-100 रुपये देकर आदमी लोगों को जुटा कर ये भीड़ बनाई गई नहीं है। ये दरअसल ये भीड़ हमारे गांव के पास में होने वाले दंगल की है, जहाँ के मैं आज जानने वाला हूँ और इस कहानी को आज मैं डॉक्यूमेंट करने जा रहा हूँ। तो ये है, और यहाँ पे जो दंगल होने वाला है, इसमें पहली बार यहाँ पर महिला भी इस रेसलिंग का हिस्सा बनने वाली है। तो सबसे मज़ेदार बात यह है, तो बिना किसी देरी के हम पहुँच गए वीडियो के लोकेशन पर। लेकिन रुकिए, लोकेशन में जाने से पहले आपको ये तो बता दें कि लोकेशन है कहाँ। लोकेशन हमारे NU पीपल के बगल में लोहरी मो ग्राम है, उसके बगल में इस दंगल का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमको जाना है। तो अब सही समय है जाने का। हाँ, हम बैठे हैं उसी जगह पे जहाँ पे होने वाला विशाल दंगल, और दंगल साथ साथ यहाँ मेला का भी छोटा सा आयोजन किया जा रहा है। इधर मेला होने वाला है, आज के दंगल में है, अकेले आना है। तो अभी कुछ अरेंजमेंट होने बाकी है, तो अरेंजमेंट पहले होगा और इसके बाद दंगल स्टार्ट होने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसी गर्मी में शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन हम आपके लिए शूट करेंगे और इस गर्मी को भी झेलेंगे। कुछ लोग पीछे गाना भी बजा रहे हैं, तो इग्नोर करिए इन सब कुछ। मैं यहाँ पर दंगल स्टार्ट होने के पहले आ गया था, क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ सिनेमैटिक सीन्स और कुछ शॉट लेने थे दंगल स्टार्ट होने के पहले। एक्चुअली अभी दंगल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब स्टार्ट होगा तब आपको दंगल का व्यू दिखाएंगे। दंगल को देखने के बाद मुझे दंगल फिल्म के कुछ सीन्स याद आ रहे हैं, और सीन्स में जैसे कि गीता कुमारी फोगाट और बबीता कुमारी फोगाट के कुछ ऐसे सीन्स हैं, जो उनके सॉन्ग हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसको यूज़ करने बिना तो मैं ये इस डॉक्यूमेंट को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, कहीं ना कहीं तो उस म्यूज़िक को मैं यूज़ करूँगा। दंगल की टाइमिंग दंगल कमेटी ने लगभग 4 बजे रखी थी, तो उससे पहले सारा अरेंजमेंट हो चुका था, और फिर भीड़ इकट्ठा चालू होनी थी, और भीड़ कभी हल्की नहीं थी, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा होने चालू हो गए थे, और ढोल नगाड़े से स्वागत भी हुआ था, फिर इस दंगल का आरंभ हुआ। हर चीज खास है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है पूरा पहलवान जी, बहुत अच्छा, उन्हीं के सवाल के जवाब में संदीप पहलवान 13, कुश्ती का समय 6 मिनट, क्योंकि ये कुछ बड़े हैं। कहना है
कुश्ती है, जो जीतेगा वही सिकंदर। प्लीज आप लोग सामने थे, आप अपना प्रोग्राम हिंदी का नाम के नाम पूछिए। सुनने महिला पहलवान राजधानी दिल्ली मास्टर चंदकी राम अखाड़ा से आई है, एक बार इनका भी तालियों से के साथ स्वागत किया जाए। ये महिलाओं को ज्यादा रेट है, जैसे 11,000 खुले हैं उससे, लेकिन ये कुश्ती बाद में होगी। दिल्ली और झांसी का हाथ पकड़िए हमारे रेफरी साहब, ये कुश्ती विधायक जी के आने के बाद होगी। और ये छोटी कुश्ती अभी एक कराइए, इस कुश्ती का हाथ मिला दीजिए। सम्मान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, और सम्मान के लिए हमारे हाँ इनके हाथ में मिलवा दीजिए, हाँ भेज दीजिए, हाँ सर के दोनों को भिजवा दो, उनके भी और इनके भी। दंगल की कहानी तो आप देख ही रहे हैं। दंगल कहानी के साथ साथ मैं आपको एक बात शेयर करने वाला हूँ जो मेरी जिंदगी से रिलेटेड है। वो बात यह है कि मैं कुछ ऐसी कहानियाँ और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट फिल्म की तलाश में रहता हूँ जिसको मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैं अब डेली लाइफ की वीडियो तो बना नहीं पाऊंगा, तो आप बताइए कि मैं आपको किस प्रकार की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। और लास्ट बात यूसुफ के साथ, चार नौ आप चार नौ नहीं।